बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज जो फार्मा प्रोडक्ट आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ऑप्टीटेक। ऑप्टीटेक एक आई ड्रॉप है, बैरेट हॉइसन फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये प्रोडक्ट है। बैरेट है हॉइसन एक वेल नोन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ऑप्टीटेक का अगर फार्मूले की बात की जाए तो ये प्यारे दोस्तों असल में एक टोब्रामाइसिन है। टोब्रामाइसिन से मुराद ये है कि ये एक एंटीबायोटिक है जिसके अंदर दूसरे, अगर आप इसमें जो अगर आप कहें कि दूसरे जो ड्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो टोब्रामाइसिन के दूसरे ड्रॉप्स जो हैं वो आगबाटस टोब्रा के नाम से आ जाते हैं और ओब्रेक्स के नाम से आ जाते हैं ड्रॉप्स। और इसके अलावा जो एमजी डेक्स के आपने सुने होंगे वो वाले ड्रॉप्स आ जाते हैं। तो ये बेसिकली सारे के सारे टोब्रामाइसिन कंटेन करते हैं, क्योंकि आई के अंदर जो है ऑफ्थमोलॉजी के अंदर जो आँख के जो इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर जो मेन मेन जो वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एक टोब्रामाइसिन है, एक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। ये दो जो हैं हम मेनली इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी ओफ्लॉक्सासिन का भी इस्तेमाल होता है। अब बात करें इसके इस्तेमाल की, चूंकि ये प्यारे दोस्तों एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होती है। अगर आपकी कंडीशन जो है आँख की ऐसी है कि जिसके अंदर आपको इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का आपको खतरा है, आँख में रेडनेस है, आँख में से रेशा आ रहा है, आँख में से पीप टाइप जो है यानी पसी डिस्चार्ज है, तो आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी आपने सर्जरी करवाई है तो उसके अंदर, या कोई आपकी आँख में कोई चीज़ चली गई थी, आँख में कोई फॉरेन बॉडी चली गई, उसके बाद आपने उस फॉरेन बॉडी को निकलवाया है, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि इसके कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आप इसको एहतियातन आप ऑप्टीटेक टोब्रामाइसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साइड इफेक्ट की बात की जाए तो जितने भी ये जो आई ड्रॉप्स होते हैं इनकी कोई ख़ास या सीरियस किस्म के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, स्पेशली जो एंटीबायोटिक होते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक जब आप आँख में डालते हैं तो एंटीबायोटिक की जो कंसंट्रेशन है वो इतनी नहीं होती आपके ब्लड में कि वो कोई ख़ास साइड इफेक्ट करे आपके जिस्म में। हाँ, लेकिन अलबत्ता अगर आँख के लेवल की अगर बात की जाए तो एंटीबायोटिक्स का आँख के लेवल के ऊपर कोई ख़ास साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर लेकिन जो दूसरे ड्रॉप्स हैं जिसमें काले मोती के कतरे होते हैं, कुछ स्टीराइड ड्रॉप्स होते हैं, उनको ज़रूर आपने इस्तेमाल करते वक्त उनके एहतियात बरतनी होती है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने ऑप्टीटेक के बारे में सुना और इसके बारे में आपको आगे ही मिली होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।